पहली बात तो हमारे दिमाग में एक बात बिठाई गई कि मुगलों ने इस देश पे 600 साल शासन किया। दशरथ के पिता का क्या नाम था किसी को मालूम है? इतिहास इतनी जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया कि हर एक बच्चे की जुबान पे बिठा दिया। लाल किला हकीकत में एक राजपूत ने बनाया था जो पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे। हिंदुओं को मारा जाता, पीटा जाता, जब जाके एक एक ईंट उसमें हिंदुओं का खून बहा है। जो अभी नया बिल पास हुआ था बजट है, उसमें एजुकेशन के ऊपर दबाव नहीं डाला गया, एजुकेशन सुधारा गया। भाई साहब एजुकेशन इंडिया का एजुकेशन बजट हिस्ट्री में से सारे मुगल्स की हिस्ट्री हटा दी गई। एक बात बताइए आप, नहीं एक बात बताओ क्यों ना मुगल सम्मान नहीं जानते? हमारा देश है। अब बात उठ चुकी है कि जो मुगल का इतिहास हटा दिया गया है, हमें नहीं पढ़ना, हमें श्री राम का इतिहास पढ़ना है, हम वो पढ़ेंगे। महाराणा प्रताप क्या हवा में तीर चला रहे थे या हवा में तरवाल चला रहे थे? इनका सवाल सिर्फ ये है कि अगर मुगल को हटा दिया तो महाराणा प्रताप की लड़ाई कौन पड़ेगा? मुगल भारत का हिस्सा थे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, कहाँ पे? हमारे देश में ना दो इतिहास चलते हैं। हाँ जी। जनता में महाराणा प्रताप महान है और किताबों में अकबर महान है। हाँ जी, यही सर। एक मिनट जी, भले बात पूरी होने दो। किताबों में अकबर महान है और जनता में महाराणा प्रताप को महान माना जाता है, क्योंकि वो इतिहास लिखवाया गया है और ये इतिहास जनता के दिल में बसा हुआ है। ये अंतर है किताबों के इतिहास। किसने बसाया इतिहास कि अकबर महान नहीं है? कांग्रेस ने बसाया है, कांग्रेस सरकार ने बसाया। ये सबसे बड़ी बात, आप जो कह रहे हैं कि मुगल का इतिहास हट गया है, ये पूरी सच नहीं है। मुगल का इतिहास 11th क्लास में हटा दिया गया है, 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद कॉलेज में भी पढ़ाया जाएगा मुगल का इतिहास। ऐसा नहीं है कि मुगल का इतिहास हटा दिया गया, पर आपने बोला कि मुगल से हमारा क्या लेना देना है। अब इस पर बात छिड़ती है कि मुगल भारत का हिस्सा थे या नहीं थे, क्या मुगल को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना? मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो हमारे दिमाग में एक बात बिठाई गई कि मुगलों ने इस देश पे 600 साल शासन किया, एक बिठाई गई ना एक बात हमारे दिमाग में। कौन सा देश का हिस्सा है जहाँ उन्होंने 600 साल सिंहासन किया? सही मायने में वो अकबर के टाइम से, ठीक है, बाबर और हुमायूं तो इधर उधर भागते रहे, कहीं भागे कहीं उखड़े, कहीं जमे कहीं भागे कहीं जमे, ठीक है। अकबर से हुआ, अकबर से बहादुर शाह जफर तक कितने साल शासन हुआ? दक्षिण भारत का कोई भी राज्य उनके अधिकार में कभी नहीं था। एक सेकंड, पूर्वोत्तर भारत का कोई हिस्सा कभी उनके इतिहास में कभी नहीं था, ठीक है। वो केवल बिहार, यूपी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों में कभी टिकते रहे, कभी मरते रहे, कभी हारते रहे, कभी जीतते रहे। उसका एक उदाहरण है, मुगलों ने जहाँ शासन किया अपना नाम के, उन्होंने शहर बसाए, दुर्ग बसाए, पुराने नाम बदले, हर जगह का इतिहास हमारे सामने है। राजस्थान के 36 जिलों में एक भी जिला मुस्लिम के नाम से हो तो मुझे बताओ, इसका मतलब राजस्थान में भी कभी टिक नहीं सके। तो आपका क्या कहना है कि जो भी अब हमें पढ़ाया जा रहा है किताबों में, बचपन में जब स्कूल जाते हैं, एक मिनट मैं बता रहे हैं, एक सेकंड, मेरे को इतना टाइम नहीं है। 1962 में मैं पहली क्लास में पढ़ने शुरू हुआ था, अग्रवाल पुस्तक भंडार का एक कायदा आता था 2 पैसे का, उसमें था गै से गणेश, गै से गणेश, अपने जीवन की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। गै से गणेश, जब मैं पहली से कच्ची क्लास से पहली क्लास में पहुँचा तो वो गै से गधा हो गया, कैदे में गै से गधा कर दिया गया गणेश हटा के। क्यों हुआ था आपको क्या लगता है, क्यों हुआ? क्योंकि उस समय मौलाना अब्दुल कलाम जो हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने दबाव बना के हटाया कि मुस्लिम बच्चे गणेश नहीं पढ़ेंगे। तुष्टिकरण की राजनीति तब से चलती आ रही है, शुरू होता है बिगड़ना, इतिहास यहाँ से बिगड़ना शुरू होता है। अपने जीवन की पहली घटना मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ मेरे दिमाग पर असर पड़ना शुरू हुआ कि ये क्या हुआ कि गणेश हटा के गधा कर दिया गया। और वही आगे पर आप ये कह रहे हैं, जो इतिहास 5 शिक्षा मंत्री हमारे मुस्लिम रहे लगातार, उन्होंने इतिहास अपने हिसाब से लिखा अपने। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो इतिहास एक बच्चे को फर्स्ट क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक पढ़ाया जाता है, जो बच्चा उस उम्र में सीखता है और वही सच मानता है, वो इतिहास सच नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी। एक सेकंड जी, हम में से यहाँ जितने लोग खड़े हैं, एक इतिहास की मैं आपको थोड़ी सी एक उदाहरण दे के निकल रहा हूँ। सबको पता है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, औरंगजेब का फिर आगे बहादुर शाह जफर, ठीक है जी।
दशरथ के पिता का क्या नाम था, किसी को मालूम है? नहीं मालूम है शायद, कहीं नहीं मालूम। सवाल उठा दिया है कि मुगलों का इतिहास जवानी याद है। मुगलों का इतिहास इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया गया कि हर एक बच्चे की जवान पर बिठा दिया, लेकिन जो भारतीय इतिहास है उसको बिल्कुल गौण कर दिया। विक्रमादित्य का भारतीय इतिहास मुगल इतिहास नहीं था। विक्रमादित्य जो है किसी को नाम मालूम है? सम्राट हर्षवर्धन किसी को नाम मालूम है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बिम्बिसार अशोक कहाँ है किताबों में? चोलवंश राज्य, विजयनगर के कृष्णदेव राय सब सम्राट से है ना, कहाँ हैं? तो इतिहास तो पलटा ही गया ना। इतिहास की बात हो रही थी, बहुत जबरदस्त जवाब दिया इन्होंने। इन्होंने कहा इतिहास जो बताया गया था वो भी पुराना था, वो भी बदला हुआ था, क्या कहना है? इन्होंने पूछा, इन्होंने सवाल पूछा, दशरथ के पिता का नाम आपको पता है? मैं बताता हूँ, मेरे को तो वो भी नहीं पता था जो इन्होंने बता दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी शाह जाएंगे, इधर उधर पता है, पता है, पता तो जो सारे नाम थे जो अंकल बोल के गए, लेकिन सीक्वेंसली नहीं पता। ठीक है, मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप ला रहे थे ना ये चीज़ें 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ना, क्यों लाल किले पे आते थे झंडा फहराने? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे भाई साहब, ये कौन सी बात है? क्यों नहीं आएंगे? किसके बाप का है? किसी के बाप का है क्या लाल किला? किसने बनाया? किसी के बाप की? किसी ने बनाया? आपका राहुल गांधी बनाया? चलो बताइए, एक मिनट सुनिए, बताइए किसने बनाया? आप ये पूछो, किसने बनाया लाल किला? बनाया किसने? बनाया कौन? चलाता की मिट्टी आगे जमीन आगी है। एक मिनट यार, मिस्त्री आगे बनाने लाल किला, सुनो एक मिनट, लाल किला पता आपको किसने बनाया था? आपकी नजरों में शाहजहां ने बनाया था, क्योंकि आपके परदादा दादा लगते होंगे वो। ठीक है, लाल किला हकीकत में एक राजपूत ने बनाया था जो पृथ्वीराज चौहान के नाना लगते थे। ठीक है, और आप इस बात को ये आपने कहाँ से सुझा, ये आपने कहाँ से पढ़ा ये चीज़? इन सबके जो गुरु हैं ना, मैं मानता हूँ इतिहास में जो सबके गुरु हैं वो सुधांशु त्रिवेदी जी हैं। उनकी एक एक बात में फैक्ट होता है, एक एक बात में। आपने मतलब सुधांशु त्रिवेदी जी की बात से आपने ये बात? मैंने सुधांशु त्रिवेदी की बात से नहीं सुना, मैंने क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है जो आपने बोला है कि लाल किला किसने बनवाया, क्योंकि इतिहास में अलग पढ़ाया जाता है कि लाल किला किसने बनाया। और आपने गूगल पे भी शाहजहां ही मिलेगा, परंतु अगर आप लाल किले की डीपली बनाने वाले थे जिनके हाथ काट दिए गए थे मजदूरों के, उनकी भी तो शिक्षा बताया करो ना कि हाँ जी भाई कितना जालिम राजा था वो, और हाथ किसके कटे थे? हिंदुस्तानियों के। हिंदुओं को कोई देश के लिए नहीं बनाया था, अपने राजपाट के लिए बनाया था, लेकिन अभी तो चल रहा है वो देश के लिए चल रहा है। नहीं, आपने सिर्फ ये बात कही, आपने सिर्फ ये बात की कि लाल किले पे प्रधानमंत्री क्यों आते थे, और आपका सिर्फ ये कहना था वो भी मुगलों ने बनवाया। हाँ जी, मुगलों ने लाल किला बनवाया तो प्रधानमंत्री क्यों आते हैं लाल किले पे? भाई साहब, मुगलों ने जो बनवाया वो मुगल खुद नहीं लगा था बनने के लिए। ठीक है, हिंदुओं को मारा जाता, पीटा जाता, जब जाके एक एक ईंट उसमें हिंदुओं का खून बहाया। ठीक है, दूसरी चीज आपको बताओ, उन्होंने अपने राज के लिए शास पाटन के लिए बनवाया था, लेकिन जो हमारे देश में जब हमारा शासन सरकार आई, सरकार के बाद वो खोला गया, पब्लिक भी जा सकती है, और पब्लिक के लिए कोई मोदी रोज ही नहीं बैठे रहते प्रधानमंत्री।